ये दोस्तों, विल्फ्रेडो परेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जो 1897 में इंग्लैंड के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम के बारे में पढ़ रहे थे। ये पढ़ते हुए उन्हें एक अजीब बात पता चली कि इंग्लैंड की ज्यादातर जमीन और पैसे बस थोड़े से ही लोगों के हाथ में थी। इनफैक्ट बस 20% लोग इंग्लैंड के 80% जमीन और पैसों के मालिक थे। ये सरप्राइजिंग बात पता चलने के बाद उन्होंने इस बारे में और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये प्रिंसिपल ना कि बस दूसरे देशों और दूसरे टाइम में भी सच थी, बल्कि ये बात पैसों को छोड़कर दूसरी चीजों के लिए भी सच थी। जैसे कि उनके खुद के गार्डन में जहां पर 80% मटर बस 20% पॉट से निकल रही थी। और तब ये प्रिंसिपल बना जिसे हम आज परीटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि साइंटिफिकली हर चीज में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग बिजनेस, स्टडीज, रिलेशनशिप, हेल्थ एक्सेट्रा। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो बस आपके 20% काम के वजह से आते हैं। ये फैक्ट हमारे नॉर्मल सोच से एकदम उल्टी है। मतलब हमें लगता है कि हम जितने एक्शंस लेंगे हमें उतने रिजल्ट्स मिलेंगे, बट सच तो यह है कि हमारे थोड़े सही एक्शंस ही हमें ज्यादातर सही रिजल्ट्स देते हैं। ये प्रिंसिपल आने के बाद बहुत से लोगों ने अलग अलग चीजों पर रिसर्च किया और ऑलमोस्ट हर चीज में इस प्रिंसिपल को काम करता पाया। एग्जाम्पल, 20% ऑफ क्रिमिनल 80% क्राइम के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% ड्राइवर्स की वजह से 80% एक्सीडेंट्स होते हैं। 20% शादीशुदा लोग 80% डिवोर्स का हिस्सा होते हैं। 20% रोड्स पे 80% ट्रैफिक होता है। 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। और ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं जो मैं चाहूँ तो बस बोलता रह जाऊँ। चलो थोड़े से और बता देता हूँ। बस 20% शराब पीने वाले लोग वर्ल्ड वाइड 80% शराब पीते हैं। 20% जमीन 80% फूड और मिनरल देती है। 20% बादल से 80% बारिश होती है। 20% एक्टर्स को 80% पब्लिक अटेंशन मिलता है। 20% साइंटिस्ट 80% चीजों को डिस्कवर करते हैं। और अभी के लिए लास्ट, 80% बुक्स जो बिकती है वो बस 20% ऑथर्स की होती है। अब नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल हर जगह यही बोलता है कि कम चीजें ज्यादा आउटपुट देती है। 80-20 प्रिंसिपल हमें ये नहीं सिखाता कि हमें काम नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ, बल्कि ये हमें सिखाता है दैट हमें वो काम करना बंद करना चाहिए या उनपे कम फोकस करना चाहिए जो काम हमें बहुत कम रिजल्ट्स दे रहा है, और वो काम ज्यादा करना चाहिए जो हमें ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है। बिजनेस के लिए बात करें तो ये लॉ सबसे पहले बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए ही यूज किया जाता था, बट फिर बाद में ये प्रिंसिपल सब चीजों के लिए यूज होने लगा। स्टार्टअप्स में ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना टाइम, एनर्जी और मनी उन चीजों के लिए ज्यादा यूज कर देते हैं जिन पर स्टार्टिंग में ज्यादा काम करने की इतनी जरूरत नहीं होती, जैसे कि कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का लुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें जरूरी है, पर बस इन चीजों से लोग अट्रैक्ट होकर आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज नहीं करेंगे और ना ही इन चीजों से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बल्कि स्टार्टिंग में आपका मेन एम होना चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से और अच्छा बनाना, ताकि वो लोगों की लाइफ और इजी या अच्छी कर सके। और ये करने के बाद आपको मार्केटिंग और दूसरी चीजें करनी चाहिए, और वो भी बस उन 20% प्लेटफॉर्म्स और चीजों पे ध्यान रखते हुए जहां पर आपको मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो है दैट आपके 20% क्लाइंट्स आपके 80% प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। वैसे ही 20% ऑफ क्लाइंट्स 80% कंप्लेन करने वाले होंगे। सो इन 20% लोगों पे आपको अच्छा फोकस करना चाहिए। और एट द एंड सब कुछ अच्छा करने से ज्यादा बस उन 20% कामों पे ज्यादा फोकस करो जो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहा हो। 80-20 फॉर सोशल लाइफ एंड हैप्पीनेस। पहले मुझे लगता था कि मेरे जितने ज्यादा दोस्त रहेंगे मेरे लिए उतना अच्छा होगा, और इसीलिए मैं सबसे दोस्ती करता था और सबके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था। बहुत बार उन लोगों के साथ भी जिनके साथ मुझे कोई खास मजा नहीं आती थी। बट ये करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा करके मैं अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और बिकॉज ऑफ दिस मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए थी। एक्चुअली हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है दैट हमें लगता है ज्यादा मतलब बेहतर, बट ये सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपकी 80% हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट बस आपके 20% दोस्तों के वजह से आती है। इसीलिए बहुत सारे ठीक ठाक दोस्त बनाने और उन सबके साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है आप बस उन 20% दोस्तों या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको सच में अच्छा फील कराते हैं और जिनके साथ टाइम स्पेंड करने आपको भी मजा आती है। ये आपका काफी टाइम बचाएगा और दूसरी चीजों पर फोकस करने के लिए। 80-20 प्रिंसिपल फॉर स्टडीज। मेरा एक दोस्त था जो एग्जाम टाइम में सारे दिन और कभी कभी पूरी रात जाकर पढ़ाई करता था, और दूसरी तरफ मेरा एक और दोस्त था जो दिन रात मिला के बस अराउंड 4-6 घंटे पढ़ाई करता था। पर जब रिजल्ट्स आते थे तब मेरे दूसरे दोस्त के मार्क्स पहले दोस्त के बराबर या उससे ज्यादा ही रहते थे।
वो समझाता था कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, लेकिन मेरा पहला दोस्त उसका यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे पता था वो सच बोल रहा है। मेरा दूसरा दोस्त पहले दोस्त से ज्यादा स्मार्ट नहीं था, पर वो अनजाने में ही 80-20 प्रिंसिपल का यूज करता था दो चीजों को लेकर, जिसकी वजह से कम पढ़ के भी उसके रिजल्ट्स अच्छे आते थे। पहली चीज जिसमें वो 80-20 प्रिंसिपल यूज करता था वो ये था कि पढ़ना क्या क्या है। मेरा पहला दोस्त एंड में सब क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से सब पढ़ने के बाद भी उसे एक भी आंसर्स अच्छे से याद नहीं रहता था, और पेपर में वो आंसर्स प्रॉपरली भी नहीं लिख पाता था। जबकि दूसरा दोस्त पिछले क्वेश्चन पेपर्स और टीचर्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे वो पता कर लेता था, फिर उन्हें ही एकदम अच्छे से याद कर लेता था और उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पर फोकस करता था। दूसरी चीज जिसमें वो 80-20 का यूज करता था वो था पढ़ाई के टाइम को लेके। पहला दोस्त दिन भर रात भर पढ़ने की कोशिश करता था, पर क्योंकि इंसान एक साथ अचानक से किसी एक चीज पे ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं रख सकता, इसीलिए पढ़ते टाइम उसका भी फोकस दूसरी चीजों पे बार बार जाता रहता था, जिससे कई घंटे पढ़ने के बाद भी उसकी क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाती थी। दूसरे दोस्त को पता था कि वो सुबह से रात होने के बीच तक ही अच्छे से पढ़ पाता है और उसके बाद नहीं, तो वो उसी टाइम पे अपना पूरे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ता था, बाकी सारी चीजें साइड करके। वो बीच बीच में काफी ब्रेक्स भी लेता था जब उसे लगने लगता था कि उसका फोकस खत्म हो रहा है, और फिर कुछ और चीजें करके, जैसे कि घर के बाहर एक वॉक लेके या कुछ और करके जिसे उसे फ्रेश फील हो, वो करके वो वापस पढ़ना स्टार्ट करता था। यही कुछ चीजों के वजह से उसका रिजल्ट्स कम पढ़ के भी दूसरे दोस्त से अच्छे आते थे। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, आपका काम ये है कि आप वो 20% सर्च करो अपने हर काम में और उसे एकदम अच्छे से करो। ये करने से आपको आधे टाइम में डबल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आधा टाइम फ्री भी मिलेगा, जिसे आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो और खुश रह सकते हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी बुक्स कैसे पढ़ लेता हूं। सच बोलूं तो मैं पूरी बुक हर हफ्ते नहीं पढ़ पाता, पर हाँ मैं इजीली हर हफ्ते एटलीस्ट एक बुक सुन जरूर लेता हूँ उसकी ऑडियो बुक लेके। पर्सनली मुझे ऑडियो बुक्स बहुत पसंद है, बिकॉज टाइम निकाल के पूरी बुक्स पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पर ऑडियो बुक मैं इजीली ट्रैवल करते टाइम या किसी का वेट करते टाइम या कभी भी एंट्री लगा के सुन लेता हूँ जब दिल करे। आपको भी ट्राई करना चाहिए। अगर आपको एक फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके या audibletrial.com/seekin पे जाके कोई भी एक अपने पसंद की बुक ले सकते हो। audible.com एक Amazon कंपनी है जो आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल भी देती है, जिसमें आप अपनी ली हुई इस फ्री बुक को किसी दूसरी बुक से एक्सचेंज भी कर सकते हो अगर आपको वो बुक पसंद नहीं आई तो। इस वीडियो का प्रिंसिपल मैंने आपको एक बहुत ही काम की बुक द 80-20 प्रिंसिपल से बताई है। अगर आपको इस बुक की ऑडियो बुक चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो फ्री में नीचे दिए हुए लिंक से जाके या कोई और दूसरी बुक। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने व्यूज और ओपिनियन कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को इस चैनल के बारे में बताएं। मैं और ऐसी ही काम की बातें आपके साथ शेयर करूंगा यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।